नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं, मुझे मालूम है। आज वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। किन किन बारे में हम बातें करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या हम आयुष काउंसलिंग और MCC काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्या हम अगर MCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके ऑल इंडिया काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, दोनों में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है? और करें भी तो किस राउंड में करें, और एक में नहीं किया दूसरे में करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? इस तरह का जो आपके मन में डाउट है ना कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, करें तो कब करें, इस तरह का जो भी आपके मन में डाउट है पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, वो सब मैं आज के वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि किसके लिए आप एलिजिबल हो, कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सब डाउट मैं आज के वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ओके, प्लस हम काउंसलिंग के फीस के बारे में भी बात करेंगे कि काउंसलिंग में आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी, सिक्योरिटी फ़ीस कितनी होगी, इस बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और क्लियर करती हूँ मैं आपके सारे डाउट्स काउंसलिंग से रिलेटेड। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी की काउंसलिंग कल से यानी कि 14th अगस्त से चालू हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ काउंसलिंग कितने स्टेप्स में होती है, उसके बाद बताऊँगी किस किस के लिए आप एलिजिबल हो, कहाँ कहाँ आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आपके ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और पार्टिसिपेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे। ध्यान से देखो और अच्छे से समझ लो। सबसे पहली बात तो ये समझो, जो नीट की काउंसलिंग है वो दो होती है। पहला होता है आपका MCC काउंसलिंग, दूसरा होता है आयुष काउंसलिंग, जो कि AAACCC करवाता है। ठीक है, वो संस्था है, जैसे MCC संस्था है वैसे AAACCC भी संस्था है, वो काउंसलिंग करवाता है। MCC काउंसलिंग में 3 कोर्स आएंगे, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग। और जो AAACCC काउंसलिंग है उसमें 5 कोर्स आएंगे, BAMS, BHMS, BNYS, BSMS, BUMS। ये 5 कोर्स आपके आयुष काउंसलिंग में आएंगे। इसके अलावा जो भी कोर्सेज नीट के थ्रू होते हैं जैसे कि बी फार्मा, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी वाइज पार्टिसिपेट करना होता है। मैंने इस वीडियो में अच्छे से बता दिया है बी फार्मा के लिए, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम लोग नॉर्मल काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो MCC की काउंसलिंग कल से शुरू होने वाली है। MCC काउंसलिंग स्टार्ट होने के लगभग 1 महीने बाद आपकी आयुष काउंसलिंग चालू होती है। 20 दिन 25 दिन 1 महीना ऐसा लग जाता है आयुष काउंसलिंग को चालू होने में, कंफर्म डेट अभी नहीं आई है। ठीक है, MCC की काउंसलिंग में 2 फेज़ होते हैं, एक होते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। सिमिलरली आयुष काउंसलिंग में भी 2 चीज़ होती है, एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। अब पहले MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में समझते हैं। MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है, ऑल इंडिया मतलब इंडिया के सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोई भी कहीं भी कॉलेज ले सकता है। आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, ये मैटर नहीं करता। आप चाहे जहाँ से हो किसी भी दूसरे स्टेट में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का ये मतलब होता है, चाहे वो आयुष का हो चाहे वो MCC का हो, दोनों की ऑल इंडिया काउंसलिंग का सीधा सा मतलब है कि पूरे भारत में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और ऑल इंडिया काउंसलिंग में सारे कॉलेजेस की 15% सीट्स आती हैं। ठीक है, लेकिन एम्स की और आपके जिपमर की, ठीक है, और आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, इन सब की सारी सीटें आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती हैं। BSc नर्सिंग की बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सारी सीटें आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती हैं। ठीक है, BSc नर्सिंग की डिटेल्स मैंने इसमें बता दी है, स्पेशली आपको BSc नर्सिंग जानना है तो ये देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। तो देखो, ऑल इंडिया की सारे के सारे एम्स कॉलेजेस की सीट्स, एम्स की चाहे जिस स्टेट में वो हो, एम्स की सारी सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में आती हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आपकी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मेडिकल सीट्स, सभी की सभी सीट्स टोटल, ठीक है, A to Z सारी सीट्स आपकी MCC काउंसलिंग के ऑल इंडिया राउंड में ही आती है। सिमिलरली आयुष का कोई अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी भी सारी सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में आएगी। ठीक है, वंस अगेन बता रही हूँ, देखो एम्स की सारी सीटें और आपके BSc नर्सिंग के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सारी सीटें आती हैं, प्लस आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सारी सीटें, प्लस आपके बाकी जितने भी बच्चे कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीटें ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है,
अच्छा पहले इसको समझ लो, फिर बाकी के 85% सीट का क्या होगा वो बताऊंगी। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में इतनी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग 3 राउंड का होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और अगर सीट बच गई तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे ये राउंड चलता जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सेकेंड या थर्ड राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आपकी स्टेट काउंसलिंग भी चालू हो जाएगी MCC की, ठीक है। इधर फर्स्ट सेकेंड राउंड चल ही रहा है तभी आपकी स्टेट काउंसलिंग भी चालू हो जाएगी, और स्टेट काउंसलिंग में भी 3 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और अगर सीट बचती है तो लास्ट राउंड या मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड उसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके राउंड चालू होंगे। अभी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगी, पहले आप प्रोसीजर समझ लो। इसके बाद सिमिलरली आयुष काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग में क्या होगा, आयुष काउंसलिंग में भी आपके 2 फेज होंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगेन 4 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। सिमिलरली स्टेट काउंसलिंग में भी आपके 4 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। इसमें भी 4-4 राउंड होंगे, इसमें भी 4-4 राउंड होंगे, और दोनों के काउंसलिंग स्टार्ट होने में लगभग 1 महीने का फ़र्क होता है। देखो अभी कल से क्या चालू हो रहा है, MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग चालू हो रही है। इसकी जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चालू होगी उसी के लगभग आपकी स्टेट काउंसलिंग चालू हो जाएगी MCC की, और एट द सेम टाइम लगभग 1 महीने बाद आपकी आयुष काउंसलिंग चालू हो जाएगी ऑल इंडिया, और फिर ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया के लगभग 10-20 दिन बाद आपकी चालू हो जाएगी आयुष काउंसलिंग की स्टेट काउंसलिंग। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है मैं समझ रही हूँ, पर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हल्का सा समराइज़ कर रही हूँ। 2 काउंसलिंग है, MCC और आयुष। MCC के 2 होते हैं ऑल इंडिया स्टेट, आयुष के भी 2 होते हैं ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग। सभी में 4-4 राउंड्स होते हैं, ठीक है, और हर एक के काउंसलिंग में लगभग 1 महीने का गैप है। MCC का ऑल इंडिया चालू हुआ है तो लगभग 1 महीने बाद आपकी MCC की स्टेट काउंसलिंग चालू होगी, ठीक है, और उसी टाइम लगभग आपकी आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग चालू होगी, और इसके 1 महीने बाद आपकी आयुष की स्टेट काउंसलिंग चालू होगी, ठीक। अब समझो पार्टिसिपेट किस में आप कर सकते हो। तो देखो बच्चों, आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप जिसमें चाहो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप ऑल इंडिया में भी कर सकते हो, स्टेट में भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ स्टेट में करना चाहते हो तो आप सिर्फ स्टेट में भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ आयुष में करना चाहते हो तो आप सिर्फ आयुष में कर सकते हो। किसी भी आप फेज में कर सकते हो, चाहे आप सभी में कर लो, चाहे किसी 1-2 में करो, उससे कोई मैटर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी काउंसलिंग की आप लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको शुरू से पार्टिसिपेट करना होगा तभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, चाहे सेकेंड में, चाहे थर्ड में, थर्ड तक अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जनरली ऐसा होता है, इस साल अगर वो नियम बदलते तो बात अलग है, पर सेफ्टी के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में से किसी ना किसी एक राउंड में पार्टिसिपेट कर लेना अगर आपको उसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है तो। सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको आएगी, बाकी आपको MCC का करना है, ऑल इंडिया करना है, स्टेट करना है, आयुष करना है, आप सब जगह करो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। कोई आपको नहीं रोकेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑल इंडिया कर रहे हो तो स्टेट नहीं करने मिलेगा, स्टेट कर रहे हो तो आयुष नहीं करने मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिसमें चाहो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देखो सब में फ़ीस लगती है बच्चों, सब में फ़ीस लगती है, और वो फ़ीस रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी, लेकिन सिक्योरिटी फ़ीस जो लगेगी वो आपकी वापस हो जाएगी, ठीक है। 2-3 बातें और हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, ध्यान से समझ लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग है, ठीक है, जो MCC की जो कल से स्टार्ट होने वाली है 14 अगस्त से, उसमें आपकी ₹1,000 रजिस्ट्रेशन का लगेगा, चाहे आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, रजिस्ट्रेशन का 1,000 लगेंगे। तो अच्छी बात है, फर्स्ट में ही कर लो अगर करना है तो, है ना, क्योंकि 1,000 ही लगना है, तो करना है तो फर्स्ट ही में कर लो, ठीक। तो ₹1,000 रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, जो आपको सीट मिले या ना मिले आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कभी वापस नहीं होती है, ओके। दूसरा आपका सिक्योरिटी फ़ीस लगेगा, कि अगर आपको सीट मिल गया और आप फिर भी उसे जानबूझ के छोड़ रहे हो तो आपको वो सिक्योरिटी फ़ीस आपका काट लिया जाएगा और आपको वापस नहीं दिया जाएगा। पर अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो वो सिक्योरिटी फ़ीस आपको वापस हो जाएगा। सिक्योरिटी फ़ीस कितना लगता है बता देती हूँ। देखो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 10,000 लगेगी सिक्योरिटी फ़ीस फॉर जनरल, EWS एंड OBC।
SC ST PWD के लिए 5,000 सिक्योरिटी फीस लगेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फीस आपकी जमा होगी रजिस्ट्रेशन फीस के साथ, यानी अगर आप जनरल EWS और OBC हो तो 10,000 सिक्योरिटी प्लस 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस, 11,000 आपको जमा करने होंगे। ठीक है, कल ही आपको जमा करने होंगे अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसके बाद SC ST PWD वालों को 5,000 प्लस 1,000 रजिस्ट्रेशन, उनका 500 रजिस्ट्रेशन का लगता है, तो उन्हें 5,500 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से SC ST वालों को 5,000 वापस हो जाएंगे अगर उन्हें सीट नहीं मिलती है, और अगर आप जनरल EWS वाले हो, OBC वाले हो, तो आपको 10,000 वापस मिलेंगे। लगभग आपको आपको वापस कब मिलेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ, 5 से 6 महीने का टाइम लग जाएगा, तो सोच समझ के डिपॉजिट करना। ठीक है, 5 से 6 महीने का टाइम लगता है वापस मिलने में, क्लियर। जब पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके 1-2 महीने बाद आपका वापस होता है, तो पूरी काउंसलिंग ख़त्म होने में आपका अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, जनवरी वगैरह में कहीं आपकी पूरी फीस वापस होगी। ठीक है, जो आपका वो कॉलेज नहीं मिला तो, और कॉलेज मिल गया तो वो काट ली जाएगी, क्लियर। अच्छा, एक और बात आप ध्यान से समझ लो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में, जो स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें 85% सीट्स पे ही काउंसलिंग चलती है। जैसे मैंने कहा ना, कोई कॉलेज है मान लो उसमें 100 सीट्स हैं, तो उसकी 15 सीट ऑल इंडिया को दे दी जाती हैं और बाकी की 85 सीट्स स्टेट काउंसलिंग के लिए रखी जाती हैं। जैसे UP का मान लो KGMC कॉलेज है, तो उसके 15% सीट में ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई राजस्थान से है, बिहार से है, तो कोई भी वहाँ आ सकता है, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में उसको मिल जा रहा है तो वो आ सकता है। बाकी की 85% सीट्स स्टेट के बच्चों के लिए होती है। तो अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका मार्क्स कम है, मतलब इतना अच्छा मार्क्स नहीं है कि ऑल इंडिया में मिल सके, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 650, 670 ऐसे मार्क्स नहीं है, तो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है MBBS के लिए। तो उस केस में आपको स्टेट काउंसलिंग में करना चाहिए। स्टेट काउंसलिंग में क्या होता है, ऑल इंडिया के मुकाबले कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग में अपने ही स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे कट ऑफ 5,500 जा रही है, तो क्यों ना मैं यूपी का बच्चा हूँ, मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर लूँ। आप ये नहीं कर सकते। स्टेट काउंसलिंग में स्टेट का ही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, उसी स्टेट का बच्चा। यूपी की स्टेट काउंसलिंग है तो सिर्फ यूपी का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है, बाहर का कोई नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग का ये मतलब होता है, चाहे वो आयुष की स्टेट काउंसलिंग हो, चाहे वो MCC की स्टेट काउंसलिंग हो। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग में अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप आयुष में, स्टेट काउंसलिंग में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, सभी में इकट्ठे भी पार्टिसिपेट कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में यूपी के बारे में बता दूँ तो लगभग 30,000 रुपये लगते हैं आपके सिक्योरिटी मनी, और लगभग 2,000 लगता है आपके रजिस्ट्रेशन फीस। 30,000 वापस हो जाएंगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता, कॉलेज मिल जाता है तो वो आपके एडमिशन फीस में काट लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। आई होप ये आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आप किस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर आप मार्क्स के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट जानना चाहोगे, या फिर आप ऐसा जानना चाहोगे कि 500 से 600 मार्क्स हैं, आप अपनी मार्क्स का रेंज बता दो। ठीक है, मैं एक पोल क्वेश्चन आप लोग के लिए डाल दूँगी कि इसमें से इतने इतने मार्क्स हैं तो आपको किस पे वीडियो चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैं प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आपको और कुछ जानना है तो ज़रूर आप कमेंट करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और हम लोग का एक और चैनल है बच्चों, यात्रा चैनल, जिसे आप YouTube पे सर्च कर सकते हो @AnoopSumanYatra के नाम से, वो चैनल भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, वो हमारा व्लॉगिंग चैनल है। लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा एक सर्कल के फॉर्म में, वहाँ से आप देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।